निफ्टी 50 के लेवल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कल निफ्टी में कॉल साइड एंट्री लेना है तो आपको 19460 19460 ब्रेक होने का वेट करना है। 19460 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 19510। 19510 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 19540 एंड देन 19600। 19600 में पहले पिछले महीने में जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस है वीकली में और मंथली में, तो वहाँ पर मार्केट जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है अगर आपको, या वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। गैप अप अगर खुलता है तो वेट करना है क्लोजिंग का, डिस्कस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी तो ही फिर ट्रेड में एंट्री लेना है। अगर आपको पुट साइड एंट्री लेना है तो आपको 19370 ब्रेक होने का वेट करना है। 19370 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 19300 एंड 19300 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 19300 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19300। अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 19250 एंड देन 19200। तो ये जो वीकली में थोड़ा सा जो गैप दिख रहा है ये गैप शायद कवर हो सकता है। और अगर 19300 के नीचे ही अगर मार्केट ओपन होता है तो इतना होगा यानी गारंटी नहीं, बट अगर होता है तो पहले वेट करें फर्स्ट 15 मिनट्स का, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री ले क्योंकि वहाँ से मार्केट रिकवर भी हो सकता है। 19300 अगर ब्रेक होता है तो और भी गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ से ऑलमोस्ट 19200 अगर ब्रेक होता है तो वहाँ फिर से जैसे आज पैनिक सेलिंग देखने मिली वैसे पैनिक सेलिंग देखने मिल सकती है। तो आप ये लेवल्स फॉर कॉल साइड एंड पुट साइड स्टडी कर सकते हो। अपसाइड में अगर गैप खुलता है तो भी फर्स्ट 15 मिनट्स का वेट करना है। डाउनसाइड में भी गैप अप खुलता है तो भी फर्स्ट 15 मिनट्स का वेट करना है। जो वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं वही फर्स्ट 15 मिनट्स में एंट्री करें, बाकी लोग ना करें। तो ये लेवल्स आप डिस्कस स्टडी कर सकते हो फॉर निफ्टी 50।